नमस्कार दोस्तों दोस्तों त्वचा को गोरा करने के बहुत से क्रीम बाजार में हैं, जिनसे कि फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आपको प्राकृतिक उपाय काम में लाने चाहिए। त्वचा को गोरा करने के लिए सामान्य रूप से नींबू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे कई लोगों को खुजली होती है। तो हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जो कि सभी लोग उपयोग कर सकते हैं, खासकर वो जिनकी तेलीय त्वचा है और साथ ही वो लोग जिनको नींबू से जलन या खुजली होती है। एलोवेरा से बने लेपों का कोई नुकसान नहीं है और सभी को इनका उपयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी त्वचा को सुंदर, गोरा और चमकदार बनाने के लिए सफाई, स्क्रबिंग, टॉनिंग और मॉइस्चराइजर करनी जरूरी होती है। तो इसको करने के 4 घरेलू तरीके होते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए एलोवेरा से बना चेहरा साफ करने वाले द्रव की, तो दोस्तों इसे बनाने और लगाने के तरीके की बात करें तो जैतून का तेल और शहद को साथ में लें। एक कटोरी में 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच एलोवेरा और 4 बूंद जैतून के तेल लेकर उसे अच्छी तरह से मिला लें। इसे अब चेहरे पर लगाएं और मालिश करें। 2 मिनट तक छोड़ दें जिससे कि ये आपकी त्वचा में पूरी तरह से सूख जाए और उसके बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें। इसे आप हर दिन करें। इसमें एलोवेरा है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल है और साथ ही इसमें और भी कई पदार्थ हैं जो कि साथ मिलकर मृत कोशिकाओं को हटा देते हैं और इससे आपकी त्वचा निरोग हो जाती है और त्वचा से दाद और मुहासे दूर हो जाते हैं। और इसमें शहद है जो कि त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। जैतून के तेल में एंटीऑक्सीडेंट है जो कि चेहरे की झुर्रियों को कम करते हैं। उसके बाद बात की जाए एरोवेला जेल की, जिससे कि चेहरे को आपको स्क्रब करना है, तो इससे हफ्ते में 2 बार करना चाहिए जिससे कि मृत कोशिकाओं को हटाया जा सके और साथ ही इससे दाग और धब्बे भी चेहरे से दूर हो जाते हैं। बेकिंग सोडा में सोडियम और पीएच को कम करने वाले तत्व होते हैं। इससे मृत कोशिकाएं और त्वचा से अधिक तेल हटता है और साथ ही त्वचा की अच्छी तरह से सफाई होती है और वो गोरी और मुलायम हो जाती है। बात की जाए इसे बनाने और लगाने के तरीके की, तो 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच बेकिंग सोडा को मिलाएं। चेहरे पर हाथ में लेप को लेकर घुमा घुमा कर लगाएं और ध्यान रखें कि आंखों में ये लेप ना जाए, क्योंकि इससे आंखों में जलन होगी। और मालिश के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एलोवेरा का चेहरे के लिए जो टोनर होता है उसकी, तो बात की जाए इसे बनाने और लगाने के तरीके की, तो आप 1 चम्मच एलोवेरा, 1 चम्मच गुलाब जल और 0.5 चम्मच आसूत यानी कि डिस्टिल्ड जल लें और इनको अच्छी तरह से आपस में मिला लें और अपने हाथ को ऊपर की तरफ चलाकर अपने चेहरे की टोनिंग करें। इससे त्वचा के छिद्रों में जमी मिट्टी हट जाएगी, त्वचा मॉइस्चराइज हो जाएगी और साथ ही आपकी त्वचा में कसाव आ जाएगा। डिस्टिल्ड जल से त्वचा की पानी की कमी दूर होती है और ये जल आपको किसी भी दवाई की दुकान पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो साफ पानी का इस्तेमाल करें। गुलाब जल आपकी त्वचा में पीएच की मात्रा को नियमित रखता है और ये आपकी त्वचा से अधिक तेल को हटाता है और ये एंटीबैक्टीरियल भी है, जिससे कि आपकी त्वचा से चोटों के निशान, दाग और धब्बे दूर हो जाते हैं। और बात की जाए एलोवेरा से बने मॉइस्चराइजर की, तो बात की जाए इसे बनाने और लगाने के तरीके की, तो 1 कटोरी में 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच बादाम के तेल को लें और इनको अच्छी तरह से मिला लें। इसे आप रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा लें, जिससे कि सुबह होने पर आप पाएंगे बहुत ही सुंदर त्वचा। बादाम के तेल में विटामिन डी और विटामिन ई होता है, साथ ही इसमें वो तत्व भी होते हैं जिससे कि त्वचा की उम्र कम हो जाती है और ये त्वचा को शीतल करता है, सूखेपन और कठोरता को हटा के उसको मुलायम और चमकीला बनाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।